शांति सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार, 18 फरवरी 1994 की मुरली रिवाइज हो रही है। मुरली का जो सार है वो है सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देवान के अंधकार की समाप्ति हो जाती है। तो इसी की डिटेल जो है हम अभी सुनेंगे। आज अकाल मूर्त महाकाल भगवान शिव सभी अकाल तख्त धारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तलक तिलक धारी बच्चों को देख रहे हैं। जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा की स्थिति में स्थित होकर तख्त पर बैठते हो तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ताई सूरत। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। फरिश्ता सर्वात्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक होता है। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता, एक परम पिता परमात्मा से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, स्थिति भी लाइट और मन भी हल्का, देह और देह के संबंध से न्यारा हल्का। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः, अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में रखने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। उसमें कहीं अहंकार की छाया नहीं होती। तो भगवान शिव ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी सोमान में स्थित रहने से बाबा ने कहा कि देवान स्वतः ही समाप्त हो जाता है, जो कि राजयोग की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि बी सोल कॉन्शियस नॉट बॉडी कॉन्शियस। सोमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो और संगम युग पर स्वयं बाबा द्वारा कितने अच्छे अच्छे सोमान प्राप्त हुए हैं। रोज अमृत वेले सवेरे सवेरे बाबा ने जो हमें सोमान दिए हैं उसकी स्मृति, उसमें स्थित हो जाओ। रोज एक नए से नए सोमान स्मृति में रखो तो सोमान के आगे देवान ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। कितना भी गहरा बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास डायरेक्ट लाइन है। लाइन क्लियर है या लाइन में कोई लीकेज? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया है और इतनी फिर तो लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाओगे। वास्तव में
अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। बाबा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर बच्चों को मंजिल पर ले जा रहे हैं। स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने कई बच्चे निकल जाते हैं, भगवान की गोद छोड़कर माया की गोद में चले जाते हैं। मोहब्बत में, परमात्म मोहब्बत में, रूहानी मोहब्बत में बाबा कहते हैं लव में लीन हो जाओ, लवलीन होके हर कार्य करो। जो लीन ही होता है उसको कुछ और दिखाई ही नहीं देता, उसको कुछ और आकर्षित ही नहीं करता। तो जहां भगवान का साथ है वहां क्या मुश्किल है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। आगे बाबा ने कहा जैसा समय वैसा संबंध भगवान के साथ निभाओ, भगवान को अपना फ्रेंड बना लो, साथी बना लो, साथी को कभी भी किनारे नहीं करो। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी अकेलापन फील होता है, बोरिंग लाइफ हो गई, कुछ चेंज चाहिए। दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो क्या करते हैं, कोई सागर के किनारे चले जाते हैं, बीच पर चले जाते हैं, कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ ले लेते हैं, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हैं। बाबा ने कहा यहां पर तो ज्ञान ज्ञान सागर का किनारा है, परमात्मा है ना ज्ञान सागर, तो सागर के किनारे बैठ जाओ। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करते हो तो उस समय बिंदु रूप वो याद नहीं करो, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की अब तक जो ज्ञान में रहते हुए आपको भिन्न भिन्न प्रकार की रमणीक अनुभूतियां हुई, जो बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक अनुभव हुए, जो अलौकिक कहानियां यज्ञ की सुनी और आपको भी अनुभव हुए, बाबा ने कहा उन कहानियों को स्मृति में लाओ, उन अनुभवों को स्मृति में लाओ, अपने सम्मान की लिस्ट को सामने रखो। जो बाबा ने रोज नित्य हमें सम्मान मिलते हैं, वरदान मिलते हैं, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को भी सामने लाओ कि मुझे बाबा से क्या मिला, ज्ञान गुण शक्तियां क्या क्या मिली, उनकी डिटेल में जाओ। गीता में है ना मनमना भाव, हे अर्जुन अपना मन मुझ में लगा दे, तो बाबा भी कहते हैं मनमना भाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मनमना भाव है। संबंधों से याद तो करते हो बाबा ने कहा, लेकिन फर्क क्या हो जाता है, एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में लव में लीन हो जाना, खो जाना, फिदा हो जाना। कोई बात दिमाग में आती है तो वो निकलती भी जल्दी है, लेकिन जो दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय अनुरूप जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो वैसे ही याद करो। मान लो आपको आवश्यकता है फ्रेंड की, दोस्त की, और याद करो पिता भाव से, तो बाबा ने कहा आनंद नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो बाबा के साथ। तो आज की मुरली का वरदान है अपने आदि और अंत
दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप आत्मा भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए ये चेक करो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं, हमारा चार्ट कैसा रहा अध्यात्म का, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी थी उसका हमारा चार्ट कैसा रहा। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने और देव रूप में पूजे गए। तो बाबा कहते हैं इसी नशे में और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है, उन्हें संतुष्टता की अनुभूति होती है। इसलिए हमें ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान का धन जिनके पास है वही सबसे बड़े साहूकार हैं और उन्हें ही भीतर से एक संतोष उनके अवस्था में बना रहता है और हर समय भरपूरता का अनुभव करते हैं, संपन्नता का अनुभव करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।